Hello friends, welcome to Tapasvi IAS. In this video we will discuss about the Office of Profit and disqualification for membership. This course is presented by me, Kailash Keval, and you can get this video lectures at the rate 4999 rupees only if you register before 13th of May. देखिए बात करते हैं हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? जिस तरीके से यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में लड़ाई हो रही है। व्हाट इज इट? यह है क्या? The concept of office of profit has been originated in England, where king appointed legislator as a CEO's factory etc. This idea was to create loyalties to empire. यानी कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की अवधारणा है इंग्लैंड में हुई थी, जहां राजा ने विधायकों को CEO कारखाने आदि के रूप में नियुक्त किया था। और ये जो विचार था, दिस आइडिया वाज क्रिएट टू लॉयल्टीज टू एम्पायर, मतलब ये जो विचार था साम्राज्य के लिए वफादार बनाने के लिए था। मतलब कि जो व्यक्ति साम्राज्य को जिस तरीके का पोस्ट उन्हें कर जाती थी, तो वो किसी तरीके की धोखाधड़ी अपने सीनियर से नहीं कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट आता है, इट हैम्पर्स द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटर, यानी कि विधायकों के जो स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित करता था। और यानी कि द लेजिस्लेटर हु एंजॉयड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वुड नेवर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये जिन विधायकों ने लाभ के कार्यालयों का आनंद लिया था, वो किसी भी कार्य के किसी भी गलत कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। मतलब इस तरीके से उनको बता दिया, तो एक तरीके से पोस्ट दे दी गई थी कि वो कोई भी अगर कैसा भी कार्य हो तो वो किसी भी गलत कार्य का अपनी आवाज नहीं उठा सकते। एक पोस्ट, पर्टिकुलर पोस्ट पे उन्हें बैठा दिया गया था। और देखिए, इट इज प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर बाय कीपिंग द मेंबर्स अवे फ्रॉम द टेम्पटेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव दैट कैन कम इन द वे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, यानी कि ये सदस्यों को कार्यकारी से किसी भी प्रलोभन से दूर रखकर विधायिका की आजादी को सुरक्षित रखता है, जो उनके कर्तव्यों के स्वतंत्र निर्वहन के रास्ते में आता है। और ये जो विधायिका है कि ऑल्टो 6 था, यह विधायिका न्यायपालिका और कार्यकारी संविधान के मूल विशेषता के बीच सत्ता को अलग करने के सिद्धांत के लागू करने सिद्धांत को भी लागू चाहता है। यानी कि इसके अंदर देखिए तीनों है जो इसके अंदर, यहाँ पर ये आपका लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से। अब देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडिया का लाभ का जो पद है वो भारत के अंदर क्या स्थिति है इसकी? द वर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950, यानी कि जो लाभ का शब्द है ये संविधान के अंदर भी नहीं और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में परिभाषित नहीं किया जाता। और इस प्रकार इसका अर्थ जो विभिन्न सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसलों से प्राप्त किया गया था। अकॉर्डिंग आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 102(1) है और अनुच्छेद 191 के मुताबिक संसद के दोनों सदन के सदस्य और राज्य विधानसभा विधान परिषद के लाभ के किसी भी कार्य के सदस्य, यानी जो आर्टिकल 102 है ये तो स्टेट को सेंटर को नोट करता है, और जो आर्टिकल 191 है ये स्टेट के बारे में बताता है। अब नीचे देखिए तीसरा पॉइंट है, इसमें बताता है कि अकॉर्डिंग टू द अबव आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल उपयुक्त दिए गए उन लेखों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को घोषित किए जाने वाले कार्य के अलावा भारत सरकार या किसी राज्य के तहत लाभ का कोई भी कार्यालय होने पर जो हमारी संसद भवन है, यानी कि जो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है दिखा रखा, और स्टेट असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि जो कानून द्वारा संसद संविधान असेंबली द्वारा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। आप लोगों ने अभी रिसेंट का केस सुना होगा कि दिल्ली वाले केस में सन 2018 में हुआ था कि आपके जो विधायक थे, आप पार्टी है जो दिल्ली की, उसके 20 विधायक है, उनकी जो लाभ का पद है उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाकी उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1950 एज सेवरल असेंबलीज आर एग्जेम्प्ट होल्डर्स ऑफ वेरियस ऑफिस फ्रॉम द मिस्ट्री फॉर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ, यानी कि जो संसद अयोग्य की रोकथाम अधिनियम जो बनाया था सन 1960 में, और कैसे असेंबली ने जो लाभ कानून के कार्यालय के शरारत से विभिन्न कार्यालयों के छूट धारकों के लिए जो है कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऑफिस ऑफ जो लाभ का पद है उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। देखिए संविधान में ऑफिस ऑफ प्रोविजन नोट के लिए डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रोविजन संविधान के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। बट डेरिविंग फ्रॉम द पास्ट जुडिशियल 5 टेस्ट हैव बीन लेड डाउन टू चेक इफ एन ऑफिस एंड ओओपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, यानी कि देखा जाए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है, यानी कि पिछले न्यायिक घोषणा से प्राप्त करते हुए यह जानने के लिए 5 परीक्षण किए गए हैं, जिसमें कोई कार्यालय हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है वो कौन कौन से देख लेते हैं। वेदर द गवर्नमेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स, क्या सरकार नियुक्ति करता है, कोई भी सरकार जो नियुक्ति करती है। दूसरा आता है वेदर द गवर्नमेंट हैज राइट टू रिमूव और डिसमिस द होल्डर, यानी कि सरकार को धारक को हटाने या खारिज करने का अधिकार है। तीसरा आता है हमारे क्या सरकार की वेदर द गवर्नमेंट पेज रेम्यूनेशन, क्या सरकार पारिश्रमिक का भुगतान करती है। और नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ होल्डर्स, धारक के जो है वो कार्य क्या है। और नेक्स्ट वन आता है डज द गवर्नमेंट एक्सरसाइज एनी कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंक्शंस, यानी क्या सरकार इन कार्यों के प्रदर्शन पर किसी भी नियंत्रण का प्रयोग करती है। ये सारे के सारे जो वर्ड है मिलाकर जो प्रॉफिट दिया गया जो लाभ के पद देखता है ऑलवेज बीन ट्रीटेड इक्वलेंट टू और ए सब्स्टिट्यूट फॉर द टर्म पेशनरी गेन, यानी कि फाइनेंशियल गेन। ये बताते हैं कुल मिलाकर जो लाभ शब्द का हमेशा आर्थिक या वित्तीय लाभ के शराबर या विकल्प के साथ जो है उसका व्यवहार किया जाता है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम कि ये व्हाट इज द लॉ सेज, ये लॉज है वो क्या कहता है कि आर्टिकल 102 कहता है कि सेज अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद से हटाया जा सकता है। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अमोंग द अदर ग्राउंड, यानी किसी दूसरी जगह पर अगर वो किसी भी लाभ के पद पर है तो उसको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 के तहत उसे हटाया जा सकता है। और दूसरा कहता है कि आर्टिकल 102 से इफ अ क्वेश्चन अराइज वेदर अ मेंबर हैज इनकर्ड सच डिस्क्वालिफिकेशन इट विल बी रेफर टू द प्रेसिडेंट डिसीजन, और अगर किसी तरीके से पाता है तो उसका जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द इलेक्शन कमीशन ओपिनियन एक्ट अकॉर्डिंग टू, और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो इलेक्शन कमीशन है उनके जो उनसे बातचीत करेंगे उसके बाद अपनी ओपिनियन देंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और आर्टिकल 191 कहता है क्लोज 1 कहता है कंटेन्स अ सिमिलर प्रोविजन फॉर एमएलएज एंड एमएलसी इन द स्टेट, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है स्टेट के राज्य के अंदर जो भी हैं उनके मतलब प्रोविजन दे रखा है उसके लेजिस्लेटर इन दिल्ली आर कवर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट, यानी कि जो एनसीटी एक्ट 1991 के तहत इन पे जो भी है फैसला किया जाएगा। अब देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनसीटी एक्ट 1991 क्या है इसके बारे में देखते हैं कि ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसके बारे में बताया गया है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि जो आप पार्टी है दिल्ली के अंदर उसके आपके 20 विधायक जो थे उनको लाभ के पद से हटा दिया गया था और उसके बारे में बात की थी। क्या है देखिए दिल्ली अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली अधिनियम 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार धारा 15 क्लोज 1 क्लोज ए कहती यदि किसी व्यक्ति को लाभ का कोई कार्यालय है तो विधायी असेंबली के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। और भारत सरकार के तहत एक राज्य या संघ राज्य कानून द्वारा संरक्षित के लिए कार्य किया जाएगा, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति अगर दिल्ली के साथ कहते हैं अगर किसी भी लाभ के पद का कोई कार्यालय है तो विधायी सभा चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित करनी है, यानी कि एक व्यक्ति किसी भी जगह 2 पोस्ट पर 2 लाभ के पद पर वो नहीं बैठ सकता है। दूसरा देखिए इसमें कहता है कि लाइक आर्टिकल 102 एंड 191 क्लोज, तो जिसमें बताया कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 102 जो है आपका सेंटर से और 191 जो है आपका स्टेट के सेक्शन 15(2) ऑफ एनसीटी एक्ट आल्सो प्रोटेक्ट्स मिनिस्टर एट सेंटर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 15(3) ऑफ एनसीटी एक्ट सेज इन केस ऑफ डिस्प्यूट ओवर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमएलए The matter would be referred to the president, whose decision would be final. यानी कि जो एनसीटी है अधिनियम के धारा 102(1) और 191(1) धारा 15(2) के तहत जो है राज्यों और केंद्र या केंद्र शासित प्रदेशों में अयोग्यता से मंत्रियों की भी रक्षा करता है। और एनसीटी अधिनियम के धारा 15(3) विधायक के अयोग्यता के विवाद में भी कहती है कि मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा, यानी कि फाइनल डिसीजन जो रहेगा राष्ट्रपति का रहेगा। राष्ट्रपति ने जो कह दिया वही कार्य माना जाएगा, उसमें किसी भी बाद में कोई विचार नहीं किया जाएगा। बट बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ पिटिशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन द प्रेसिडेंट सेज द एनसीटी एक्ट हैज टू गेट द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन व्हिच इज ब्लाइंडिंग ऑन हिम। लेकिन यह कहता है कि अयोग्यता की मांग करने वाली जो याचिका का निर्णय लेने पर राष्ट्रपति ने कहा है कि एनसीटी अधिनियम को चुनाव आयोग की राय मिलनी है, जो कि उसके लिए बाध्यकारी है, यानी कि चुनाव आयोग से डिस्कस करे बिना राष्ट्रपति जो अपना डिसीजन नहीं दे सकता। अब देखिए इसमें बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की, यानी कि जो हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके योग्यता के बारे में। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो तरीके का होता है। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि संवैधानिक आधार पर, वैधानिक तौर पर। फर्स्ट देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि संवैधानिक तौर पर। आर्टिकल 102, 191, 102 आपको बताया है कि सेंटर की बात करता है और 191 जो है वो स्टेट की बात करता है, यानी कि अगर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो किस आधार पर किया जाएगा, ऑफिस ऑफ लाभ के पद पर आएगा, अनसाउंड नहीं करता है, किसी भी तरीके से कोई बीमारी हो, इंसॉल्वेंट के आधार पर। नेक्स्ट आता है आपको डिस्क्वालीफाई अंडर लॉ, अगर लॉ के कानून कहते हैं उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो नोटिस इश्यू, अगर वो भारत का नागरिक नहीं कही गया, यानी कि इंसॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर है दिवालिया घोषित कर दिया गया अगर उसे तो। अब देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन में संवैधानिक तरीके से बताया गया है कि आर्टिकल 102 में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और आर्टिकल 192 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, इन दोनों केस में एक ही बातें दिखा रखी हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं इन्हें। सबसे पहली बात जो करता है वो ये करता है कि A person shall be disqualified for being chosen as for being a member of either house of parliament, यानी कि एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, घोषित किया जाएगा जिसे संसद भवन के सदस्य के रूप में चुना जा रहा है या चुना जाना है। नेक्स्ट आता है कि इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, अगर वो सरकार के अंदर किसी पोस्ट पर है, ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य के अंदर, अदर देन एन ऑफिस ऑफ डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के द्वारा कोई और लाभ का पद डिक्लेयर्ड किया बाय लॉ नॉट टू बी क्वालिफाइड इट्स होल्डर, यदि किसी भी व्यक्ति राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो कानून द्वारा, संसद द्वारा घोषित एक कार्यालय का अनुसार अपने धारक को योग्य घोषित नहीं करना। नेक्स्ट आता है कि अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया है उससे। नेक्स्ट आता है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं, इफ ही नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा अनुपालन के स्वीकृति के वो तहत है। और देखिए डी आता है इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड टू डिक्लेयर द कंपोनेंट, अगर वह, यदि वह आश्वस्त दिमाग में है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट आता है इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड बाय ऑर्डर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड to hold an office of profit under the government of India or the government of any state by reason that only he is minister either for the union or for such a state, यानी कि वो ये कहता है कि यदि वह संसद स्पष्टीकरण द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है तो इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय नहीं माना जाए, क्योंकि वह केवल एक मंत्री है या तो संघ के लिए या फिर राज्य के लिए, यानी कि सेंटर और स्टेट के, इसमें दोनों की बात की गई है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट कि ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, यदि किसी व्यक्ति को 10वीं सूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य जाने के लिए घोषित किया जाएगा। हमारे जो कि 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखिए इसमें जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है कि एमपीज की बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इधर बात करती है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तो इधर से हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 243 F1 क्लॉज 1 कहता है और आर्टिकल 243 F1 कहता है कि यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि जो नगर पालिकाएं हमारी उनके लिए, और यहाँ पर जो पंचायत की बात करता है उनके लिए बात करता है कि दोनों के लिए एक सिमिलर है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि एक व्यक्ति को पंचायत या आपके जो म्यूनिसिपैलिटीज है कि संसद के सदस्यों में चुने जाने के लिए घोषित किया जाएगा यदि वह राज्य के विधानमंडल के चुनाव के उद्देश्य के लागू होने वाले किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है। इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड और एनी अंडर लॉ बाय द लेजिस्लेटिव वेबसाइट, यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा किए किसी भी कानून को तहत या उसके तहत अयोग्य तो इस आधार पर उसको भी अयोग्य सदस्य घोषित किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, यानी कि यहाँ पर एमपीज की बात कर रहे हैं और एमएलएज की बात कर रहे हैं, दोनों का आर्टिकल दे रखा आर्टिकल 103 और यहाँ पर आर्टिकल 191. देखिए इसमें जो बात करता है कि ये कहता है कि व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अराइज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रेफर टू द प्रेसिडेंट। सिर्फ इतनी सी बात समझने वाली है कि यहाँ पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अगर पार्लियामेंट की बात करो, पार्लियामेंट में आपका इम्पीचमेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें कहा गया, तो यहाँ पर जो डिसीजन रहेगा वो प्रेसिडेंट का रहेगा। द प्रेसिडेंट हु विल टेक अस डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल, यानी कि यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा और उसके लेने के बाद जो डिसीजन रहेगा उसका फाइनल रहेगा। यानी कि राज्य राष्ट्र सॉरी देश का जो राष्ट्रपति है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का डिसीजन लेने के लिए बाध्यकारी है। दूसरी तरफ आता है आर्टिकल 192, यानी कि एमएलएज की बात करता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए एमएलएज क्या होता है कि व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एसएल अराइज द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज रेफर टू द गवर्नर। यहाँ पर बात कर रहा है गवर्नर की और यहाँ पर बात कर रहा है प्रेसिडेंट की, यानी कि ये एमपी सेंटर के बात और यहाँ पर बात कर रहा है एमएलए यानी कि स्टेट की बात। तो यहाँ पर गवर्नर आएगा स्टेट के लिए, हु विल टेक अ डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड ए डिसीजन शैल बी फाइनल, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उससे बात करेगा और उसके बात करने के बाद गवर्नर जो रहेगा उसका जो डिसीजन देगा वो डिसीजन उसका फाइनल रहेगा। और यहाँ पर भी आपको पता है कि वो बाध्यकारी है उसका डिसीजन मानने के लिए। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं केस लॉज, देखते हैं कि किस किस में केस लॉज आए हैं जिनकी सदस्यता है उसको योग्य घोषित किया गया था। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट केस वाज इन 1953 में आया था कि द इलेक्शन कमीशन हैड टू डिसाइड वेदर द एमएलएज ऑफ विंध्याचल प्रदेश असेंबली शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल। यानी कि सबसे पहला जो केस आया था वो सन 1953 में आया था और इसमें चुनावों के तय करना था कि जिला सलाहकार परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विंध्य प्रदेश विधानसभा के विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। सदस्यों के रूप में उन्हें स्थान पर रहने के लिए प्रत्येक दिन उनको भत्ता दिया जाता था, जिसके आधार पर यह सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई थी कि यह भत्ता जो दिया जाता है एक लाभ के पद पर दूसरे भत्ते के आधार पर दिया जाता है कि ये सही है या नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि इन मार्च 2006 में जो आया था हमारे प्रेसिडेंट जो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था जय बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन की जो वाइफ हैं जय बच्चन, ऑफ द एसपी फ्रॉम द राज्यसभा विच रेस्ट्रोपरेटिव इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 14, 2004 द होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज चेयरपर्सन ऑफ द यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। यानी कि मार्च 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यूपी डेवलपमेंट काउंसिल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद संभालने के लिए 14 जुलाई 2004 से पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ राज्यसभा से जय बच्चन की योग्यता घोषित करी। यानी कि एक तो वो उधर थी लाभ के पद पर और दूसरा यूपी फिल्म काउंसिल की वो चेयरपर्सन की थी, एक व्यक्ति दो लाभ के पद पर नहीं रह सकता था। तीसरी बात करते हैं कि जनवरी 2015 में ये जो यूपी के एमएलए थे बजरंग बहादुर सिंह थे इनका और दूसरा हमारे थे उमा शंकर सिंह थे बीएसपी के डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द असेंबली आफ्टर बट इंडिकेटेड द लोयुक्त फॉर बैगिंग गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टेड बाय द मिसयूजिंग देयर पोजीशन। यानी कि जो जनवरी 2015 में यूपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह जो कि हमारे बीजेपी के थे और उमा शंकर सिंह जो हमारे बीस के लोक आयुक्त थे द्वारा उनकी स्थिति का दुरुपयोग करके सरकारी निर्माण अनुबंधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद असेंबली से उन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब देखिये इन 2006 की अगर बात करते हैं हम, यानी कि 2006 में तो वही चीज यहाँ पर भी आई थी कि सोनिया गांधी रिजाइन फ्रॉम द लोकसभा आफ्टर द इशू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वार रेज। यहाँ पर भी लोकसभा से के मतलब यहाँ पर जो लाभ के पद के बात कह रहे थे उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाद वो सॉरी ये लोकसभा में जो बात हुई थी उनकी ऑफिस ऑफ लाभ के पद के बाद तो यहाँ पर भी हटा दिया गया था क्योंकि सी वाज होल्डिंग चेयरमैनशिप फॉर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के उन्होंने चेयरमैन थी और लेटर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट वाज अमेंडेड 2006 एट द पोजीशन ऑफ एनएससी चेयरपर्सन टू इलेक्ट फॉर एग्जम्प्ट पोस्ट। यानी कि उसके बाद फिर इनको हटा दिया गया था। और देखिए अभी रिसेंट का केस जो है वो 2018 का है। द इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट दैट 20 ऑफ आर आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो 20 एमएलए थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये आप लोगों ने देखा तो इनकी सदस्यता जो बहाल हो गई थी। कि इसमें मामला ये था कि जो दिल्ली सरकार थी उन्होंने 13 मार्च 2015 को, यानी कि हमारी जो 13 तारीख थी 13 मार्च को 13/3/2015 को इन्होंने जो था कि अपने जो 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। और इस फैसले के खिलाफ जून में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को शिकायत दी गई थी, जिसे उन्होंने चुनाव आयोग पर सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। और इस आयोग ने 19 जनवरी 2000 को संसदीय सचिव के लाभ को पद को मानते हुए उन विधायकों सदस्य रद्द करने की सिफारिश की थी। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, अब इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद 2018 में, उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी और विधायकों ने आयोग की सिफारिश को 29 जनवरी को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। अब देख उसमें रिजल्ट आया, जिसमें इनको हटा दिया गया था। इसमें आपके जो जिन सदस्यता बहाल हो गई थी उसमें हमारे जैसे अलका लांबा, आदर शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीण कुमार, मनोज कुमार, नितिन तिवारी, जर्नल सिंह, ये सारे के सारे जो पर्सन थे वो आपके विधायक थे, यानी कि आप आम आदमी पार्टी वाले। अब देखिए दूसरी बात करते हैं हम कि स्टैचुरी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो स्टैचुरी डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है। देखिए हमारा जो दूसरा है वो स्टैचुरी डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि वैधानिक अयोग्यता है, इसको नोट किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले दो उसमें डिवाइड किया गया था हमारा, और सेकंड वन ये है। इसमें देखिए यहाँ दिखाया गया था कि सेक्शन 8 ऑफ आरपीए, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा के तहत अगर कोई भी उस पर कोई भी केस मिलता है तो उसके आधार पर भी उसको योग्य घोषित किया जा सकता है। सबसे पहले बात की गई है उसमें सेक्शन 153 ऑफेंस ऑफ प्रमोशन ऑफ एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, डूइंग एक्सेट्रा, प्रेजुडिशियल टू मेंशन ऑफ हार्मनी। यानी कि धारा 153 है जो उसके तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की, अत्याचार और सद्भाव कायम रखने के पूर्व अगर कार्य करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरा आता है कि ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी यानी कि रिश्वत का अगर अपराध हो तो सेक्शन 171 ई के तहत। नेक्स्ट आता है सेक्शन 171 एफ के तहत कि एक चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत अपराध वगैरह अगर करता है तो उसके आधार पर। नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 376 ए, 376 बी, 376 सी एंड 376 डी ऑफेंस रिलेटिंग टू रेप यानी कि बलात्कार संबंधित धारा 376 ए, 376 बी, 376 सी और 376 डी बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 498 ए ऑफेंस ऑफ क्रिएचुअली टुवर्ड्स एंड वुमन बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड यानी कि पति या पति के रिश्तेदार महिलाओं के प्रति क्रूरता का अपराध, अगर उसको किसी प्रकार से परेशान किया जाता है चाहे वो हस्बैंड हो चाहे हस्बैंड के रिश्तेदार हो, घर में कोई हो, तो इस तरीके से कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 8 ए ऑफ आरपीए 1951 यानी कि आरपीए 1951 के धारा 8 के चुनाव में भ्रष्ट अभ्यास के लिए उसको योग्यता के आधार पर उसको योग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि आपका डिसमिस ऑफ करप्शन ऑफ एनी डिसलॉयल्टी टू द सेंटर और स्टेट यानी कि किसी केंद्र या राज्य के प्रति किसी असहायता या भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें देखिए बात कर रहा है सेक्शन अंडर 9A आरपीए ही मस्ट नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वर्क और सर्विसेज यानी कि आईपीए की धारा 9A के तहत उसे सरकारी अनुबंधों, सरकारी कार्य सेवाओं के निष्पादन में कोई रुचि वगैरह न रखा। द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस अंडर ए गवर्नमेंट कंपनी कंटेंट इन द सेक्शन 10 आरपीए की धारा में सरकारी कंपनी के कार्यालय का आयोजन करना। नेक्स्ट आता है कि धारा के डिस्क्वालिफिकेशन फेलर टू लॉज अकाउंट इलेक्शन एक्सपेंस विद द टाइम एंड इज मैन रिक्वायर्ड बाय द अंडर द रिप्रेजेंटेशन इफ द पीपल एक्ट 1951 यानी कि धारा 10 के तहत उस समय के भीतर प्रतिनिधित्व कहता है उसके तहत आवश्यक तरीके से चुनाव व्यय के खाते को खोलने में विफलता के लिए अयोग्यता आधार पर उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिसमें फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल था, दूसरा स्टैच्यूटरी था जिसके आधार पर। अब देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि योग अयोग्यता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के आधार पर किस हिसाब से उसको रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर बात करता है कि अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 102 अनुच्छेद 102 के अनुसार 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं सूची में जो बता रखा है कि अनुच्छेद 102 के अलावा संविधान की 10वीं सूची में सदस्यों के योग्यता के आधार पर योग्यता प्रदान करती है। विचलन किसी भी विरोधी पार्टी के पक्ष में हो या किसी भी पार्टी को उत्साहित करता है तो उसके आधार पर उसको योग्य घोषित किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची के प्रावधान में एक सदस्य को योग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह वॉलंटरी गिव्स अप टू मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी विच गेव हिम द टिकट टू कॉन्टेस्ट एंड विन, यानी कि स्वेच्छा से अपने राजनीतिक पार्टी सदस्य छोड़ देता है जिसे उसने प्रतियोगिता जीत के लिए टिकट दिया हो। दूसरा आता है आपका कि वोट्स ऑन और ऑब्स्टेंट फ्रॉम वोटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि राजनीतिक द्वारा जारी की गई किसी भी दिशा के विपरीत सदन में वोटिंग से या वोट की अवस्थाएं हो जो भी हो जब तक कि 15 दिनों के भीतर राजनीतिक दल द्वारा इस तरह की मतदान के या रोकथाम के लिए पालन नहीं किया जाता है 15 days अगर इसके अंदर कोई कार्य करता है तो। नेक्स्ट आता है कि ए मेंबर इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शेल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल आफ्टर इज इलेक्शन, अगर वो इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को अगर वो ज्वाइन करता है तो उसके आधार पर भी उस पर अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सदस्यों को घोषित किया जाएगा कि कई बार देखा होगा आपने पार्टी हार जाती है तो एक व्यक्ति है जो पार्टी छोड़ के जीतने वाली पार्टी की तरफ भी भाग लेता है। नेक्स्ट आता है कि आपका इसमें दिखा रखा है कि हाउएवर नॉमिनेटेड, यानी कि जो भी नामित सदस्यों को राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति है बशर्ते वह 6 महीने की अवधि के भीतर अपने विकल्पों के ऐसी ही राजनीतिक पार्टी में शामिल हो और उस अवधि का एक राजनीतिक दल में शामिल होने से विचरण अयोग्यता हो जाएगी। यानी कि उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है उसका शामिल होने के लिए, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी सदस्यता उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हु डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो अयोग्यता का क्वेश्चन है इसको कौन डिसाइड करता है। कई बार क्वेश्चन पे पूछा जा चुका है एग्जाम में भी कि इसमें देखा है कि द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन इन ऑल अदर मैटर एक्सेप्ट अंडर 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हाउएवर प्रेसिडेंट शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन बिफोर टेकिंग सच डिसीजन, कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन से डिसीजन लेते हैं उसके बाद ही कोई फैसला करते हैं। और दूसरा आता है कि द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन, यानी कि एंटी डिफेक्शन वाला जो है उसमें केस में 10th शेड्यूल डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, इसमें वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा के राज्यसभा के वाले केस में जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, और आपको पता होगा राज्यसभा के चेयरमैनशिप के रूप में वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है और लोकसभा के केस में जो स्पीकर है वो डिसीजन लेगा। और नेक्स्ट आता है कि द डिसीजन ऑफ चेयरमैन स्पीकर इन द कंडीशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ये जो इस स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्ष का निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है कि द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू मेंटेन प्योरिटी सेपरेशन ऑफ पावर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज, यानी कि लाभ के कार्यालय के पीछे उद्देश्य जो है शक्ति के अलगाव की शुद्धता को बनाए रखना है जो कि संविधान की परिकल्पना करता है। यानी कि सेपरेशन पावर है, शक्तियों का सेपरेशन कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। दूसरा आता है कि हैज पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया नीड्स टू स्टॉप मिस यूजिंग द एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड शुड अपहोल्ड कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन लेटर एज वेल एज स्प्रेड, यानी कि भारत में जो राजनीतिक दलों कार्यकारी पदों का दुरुपयोग करना बंद करना होगा और पत्र और आत्म शक्ति को अलग करने की अवधारणा को कायम रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ओनली इन दोज केसेज लॉज शुड बी अमेंडेड वेयर देयर इज डायर नीड ऑफ दैट, यानी केवल उन मामलों में कानूनों में संशोधित किया जाना चाहिए जब इसकी सख्त आवश्यकता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।